अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। घटिया सामग्री से हो रहा पुलिया का निर्माण, क्या नवागत सीईओ करेंगे कार्रवाई या फिर होता रहेगा बेरोक टोक घटिया निर्माण कार्य? कमर तोड़ महंगाई के बीच हो रहा शासकीय राशि का दुरुपयोग, जनता की गाढ़ी कमाई को बहा रहे ठेकेदार पानी में। शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत मीठी में 5 लाख रुपए की लागत राशि से पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री से पुलिया का निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन शासकीय राशि का दुरुपयोग और ठेकेदार अपनी जेब भरने के उद्देश्य से जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा उक्त अमानक निर्माण कार्य का विरोध भी किया गया, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। पुलिया निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी पंचायत है, लेकिन अपने मन मुताबिक ठेकेदारी में ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। भले ही यह पुलिया उद्घाटन के समय में ही धाराशाही क्यों ना हो जाए, निर्माण कार्य ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो एजेंसी को विभागीय संरक्षण की संजीवनी मिली हो, जबकि शासन के मापदंडों के अनुसार समय समय पर उक्त निर्माणाधीन पुलिया का विभागीय अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। लेकिन जब मुख्यालयों में ही अधिकारियों को बंद लिफाफे पहुंचने लगे तो दुरुस्त सुदूर इलाके में कौन जाए धूल फांकने? चाहे क्यों ना निर्माण एजेंसी विकास के नाम पर कालिख क्यों ना पोत दे, क्योंकि आजकल इस आदिवासी बहुल्य जिले में ऐसे निर्माण एजेंसियों को विभागीय संरक्षण दिया जाकर अमानक निर्माण कार्य कराया जाना आम हो चला है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अधिकांश ठेकेदार द्वारा सत्ता दल के बड़े नेताओं की शह पर जो चल रहे हैं, और फिर कैसी जांच? लेकिन अब देखना यह होगा कि कार्रवाई की जाती है या फिर लेन देन में मामला सिमट जाएगा। शहडोल, रिपोर्टर बीके तिवारी। कृष्ण कुमार दास, क्या है आपकी? ग्राम रोजगार सहायक। किस ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत मीठी। मीठी, तो आप ग्राम पंचायत में जो पुलिया निर्माण हो रहा है, किस मद से मंजूर हुआ? पंचायत के मद से। कितने की लगभग होगी ये पुल निर्माण? अब उसका फाइल तो सचिव साहब रखे हैं। आपके पास? मेरे पास नहीं। कितने दिन से कार्य प्रगति पर है? लगभग एक सप्ताह। एक सप्ताह जी। कितनी इनकी मजदूरी दर होगी, कुछ जानकारी है आपकी? अब वो तो इंजीनियर साहब बताएंगे माप के अनुसार। 190। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।